अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मकबूल फ्रॉम सऊदीया। तो आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मौसम जो है इंतहाई ज़बरदस्त है। असर का टाइम अब हो चुका है। आज मेरा काम है खजूरों की सफाई करना। ये जितनी भी खजूरें हैं इन सब की सफाई करना है। लेकिन जिन खजूरों के हौज में बरसीम काश्त की थी, अब उस बरसीम को जड़ से बाहर निकाल फेंकना है, क्योंकि बरसीम की जड़ें बहुत मजबूत हैं और बहुत लंबी हैं, जिसकी वजह से खजूर की बढ़ोतरी जो है वो अच्छी नहीं हो रही और खजूर की शाखें जर्द होती जा रही हैं। अब मैं इस बरसीम को निकाल रहा हूँ जड़ समेत। तो कैसा लगा आपको सऊदी में कमाना? क्या आसान है? मुझे तो आसान लगता है, क्योंकि मेरा काम बहुत थोड़ा है। लेकिन जब काम ज़्यादा होता है तो फिर दिल करता है कि पाकिस्तान निकल जाऊं और जाकर पाकिस्तान में अपना कारोबार करूं। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएंगे और कारोबार भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं ये काम तो कर लूं। जब मैं काम करता हूं तो ख्याली पलाव बनाता रहता हूं कि घर जाकर ये काम करूंगा, ऐसा कारोबार करूंगा और अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जब काम ख़त्म हो जाता है तो सारे ख्याली पलाव ख़त्म। क्या आप भी इस तरह करते हैं? या ये मुझे अर्ज़ा है ख्याली पलाव बनाने का। अब तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है। अब मैंने जाना है एक दूसरे जगह पर, जहाँ पर दो बकरे और चावल बनाने हैं। यह तकरीबन 4 घंटे का टाइम है। उन्होंने मुझे पैसे देने हैं, इसलिए आज मैं जाऊँगा उस जगह पर जहाँ पर यह बकरे बनाने का काम करना है। अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ दूसरी जगह। ये देखें सड़क कैसी है और साथ साथ पहाड़ भी देखें, बहुत ही खूबसूरत। अभी 10 मिनट तक पहुँच जाऊँगा, तो देखते रहिए ये मेरी वीडियो। अब मैं मुड़ गया हूँ देहात की तरफ। ये पहाड़ी इलाका है। तकरीबन 2-3 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा देहात में, जहां मैंने बकरा बनाना है। तो मेरे साथ रहिए। जी, अब मैं पहुंच चुका हूं अपने मुतलका जगह पर। यह पतीला है, पतीले में मैंने डाल दिए हैं 2 बकरे, मुकम्मल पूरे बकरे हैं। पानी डाल दिया है, इसको धो के दूसरे पतीले में चढ़ाऊंगा। उसमें पहले पानी भरूंगा, पानी गर्म करके फिर इसमें डालूंगा बकरे। फिर ये 2-3 घंटे तक पकते रहेंगे। फिर चावल अलग-अलग बनाऊंगा। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कि मैं कैसे काम करता हूँ। इस बड़े पतीले में जो है 3 बकरे आ जाते हैं पकने के लिए, लेकिन हमारे पास आज 2 हैं तो 2 पका रहे हैं। इस इलाके में जो है 50-60 आदमी हैं, ये सब का एक ही पतीला है। हर हफ्ते जो है ये पकाते हैं। एक हफ्ते में एक बंदा, दूसरे हफ्ते में फिर दूसरा बंदा, इस तरह ये पकाते रहते हैं सारी ज़िंदगी। फिर सारे पहुंच जाते हैं एक दूसरे के घर। 2 बकरे हैं ये, 50-60 बंदा आएगा आज खाने के लिए। तो मैंने चावल पकाए तो ज़बरदस्त पके और बकरे भी ज़बरदस्त, लेकिन बदकिस्मती से वीडियो नहीं बना सका।
क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने वीडियो खुद नहीं बनी आगे। फिर कुछ गोश्त मैं ले आया 3-4 किलो, अब वो मैं इधर, अब दोपहर का टाइम हो गया, वो मैं बना रहा हूँ इधर अपने कमरे में। इसको अब मैंने डाल दिया है पतीले में, ये जब पक जाएगा तो फिर इसमें चावल डालूँगा। चावल जब पक जाएंगे तो फिर खाएंगे, कफील के साथ कफील भी आ जाएगा। अब मैंने पतीले में चावल जो हैं वो डाल दिए हैं, ये तकरीबन 20 मिनट तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे तो फिर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मकबूल बेक। बस अकल ज्यादा मुश्किल। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।